हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे हमारा ह्यूमन लाइफ साइकिल होता है कि एक इंसान पहले बच्चा होता है, देन टीनेजर स्टेज, एडल्टहुड और फिर ओल्ड एज, वैसे ही हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होता है कि जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है, इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, तब उसकी क्या पोजीशन होती है, उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, देन मैच्योरिटी और उसके बाद डेक्लाइन। अगर प्रोडक्ट में डेक्लाइन आता है तो क्यों आता है, किन रीजंस की वजह से। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा इंट्रोडक्शन। प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड, प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, देन सेल्स ग्रो स्लोली, सेल्स धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि लोगों को अभी नहीं पता होता है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं और वो प्रोडक्ट क्या काम करता है। देन इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग इज़ यूज। इंफॉर्मेटिव का मतलब है प्रोडक्ट के फीचर्स जिसमें बताए जाएं, क्वालिटी बताई जाए, बेनिफिट्स क्या हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, सब कुछ बताया जाए डिटेल में, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। और इंट्रोडक्शन की स्टेज में हमारा प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि उस टाइम सिर्फ लॉन्च किया होता है प्रोडक्ट, हम मेन फोकस किस में करते हैं, एडवर्टीजमेंट में, ना कि प्रॉफिट में और सेल्स में, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में। देन ग्रोथ, सेल्स स्टार्ट्स टू ग्रो रैपिडली, प्रोडक्ट की जो सेल होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। देन पर्सुएसिव एडवर्टीजमेंट, इसका मतलब है कि हम कंज्यूमर को कन्विंस करते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, बेशक हम इमोशंस का यूज़ करके क्यों ना करें। जैसे कि कोका कोला है, उसने क्या लिखा है अपनी एडवर्टीजमेंट में, ओपन ए कोक ओपन हैप्पीनेस। अब ये हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब क्या है, हमारे इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे ही इसमें बहुत सी एग्जांपल्स आती है, बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो पर्सुएसिव एडवर्टीजमेंट यूज़ करते हैं और ये एडवर्टीजमेंट इंपॉर्टेंट है जो कि हर ब्रांड में, मोस्टली हर ब्रांड में यूज़ होती है। फ्लक्चुएटिंग इंक्रीज इन प्राइसेस, जब हमारी ग्रोथ स्टेज होती है तो हो सकता है हम डिस्काउंट्स भी देते हैं हम, और अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो तो हम उसका प्राइस चेंज नहीं करते, कोई डिस्काउंट नहीं लगाते। हाई प्रॉफिट एंड ह्यूज प्रमोशन, प्रॉफिट भी हाई होता है और प्रमोशन भी ह्यूज स्केल पे होती है। देन मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, डिमांड एंड सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजेस स्लोली। आपने यहाँ पे देख रहे हो, जब इंट्रोडक्शन हुई देन ग्रोथ हुई प्रोडक्ट की, अब मैच्योरिटी में भी ग्रोथ से थोड़ा हाई है, डिमांड और जो सेल्स है वो इंक्रीज बढ़ रही होती है लेकिन स्लोली। डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम होने लग जाता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हाई, हम सारी एडवर्टीजमेंट, बेशक वो प्रमोशनल हो, परसुएसिव हो या कोई भी हो, हम सारी एडवर्टीजमेंट यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बना रहे। प्रॉफिट सून स्टार्ट्स टू फॉल, लेकिन प्रॉफिट गिरने लगता है एज प्रोडक्ट एंटर्स द सैचुरेशन स्टेज। अभी सैचुरेशन स्टेज क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है मैच्योरिटी और डेक्लाइन के बीच में, इसे हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। और इसका मतलब है कि अगर मार्केटर जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, अगर वो अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट नहीं करता या कोई न्यू अल्टरनेटिव्स नहीं लाता, तो उसका प्रोडक्ट डेक्लाइन स्टेज में चला जाता है। लेकिन अगर वो सैचुरेशन पॉइंट के दौरान ही न्यू डेवलपमेंट करे, न्यू अल्टरनेटिव्स लाए, तो उसका प्रोडक्ट यहीं पे बना रहता है, वो डिक्लाइन स्टेज में नहीं आता। तो फाइनल स्टेज है हमारी डिक्लाइन स्टेज। सेल्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, सेल्स वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। स्टिफ कंपटीशन, मतलब राइवल्स के साथ जो कंपटीशन है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा राइवल्स हमारे मार्केट में आ जाते हैं। एडवर्टीजमेंट इज स्टॉप, जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, सेल्स ही नहीं हो रही, तो एडवर्टीजमेंट भी बंद कर देंगे। प्रोडक्शन में भी स्टॉप इन द फ्यूचर, और फिर जब एडवर्टीजमेंट भी बंद हो गई तो प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगी। अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट मार्केट से बिल्कुल वो गायब हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।